हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा रिक्रूटमेंट लाया हूँ जिसमें जॉब करने का बहुत लोगों का सपना होता है। ये जो डिपार्टमेंट है, CISF की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी जॉब आपको पता ही है, जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पर, जो भी हमारे इंडिया में मोनूमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसकी रक्षा करता है एंड काफ़ी अच्छी जॉब होती है। मैं इसमें खुद जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो भाई, इसकी वैकेंसी निकली है रिक्रूटमेंट 2021, तो मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा इसी वीडियो में। क्या क्या इसकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अन्य जो भी जानकारी है सारी दूंगा। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले लाल कलर का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो अपडेट्स आपको, गवर्नमेंट जॉब अपडेट में जितनी भी वीडियो डालूँ वो सारी आपको मिलती रहे। तो ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो भाई, ये लिख लिया CISF कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2021, ठीक है? अब मैं आगे बताता हूँ, एक मिनट। अगर आपको मेरा टेलीग्राम फेसबुक ज्वाइन करना है, यहाँ से कर सकते हो। तो भाई, नंबर ऑफ पोस्ट जो लिख लिए हैं वो 2000 लिख लिए हैं। पोस्ट का नाम बता दूं मैं, GD कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अप्लाई मोड ऑनलाइन करोगे, कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मेल चाहे फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आगे आपको इसके बारे में जानकारी दे, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगेगी। इसमें सैलरी बता दूँ आपकी, इतने से इतने के बीच सैलरी होगी। मेरे लमसम अगर आप कॉन्स्टेबल की मैं सैलरी बताऊँ तो करीब करीब 40,000 प्लस सैलरी होती है इसमें कॉन्स्टेबल की, ठीक है ना? फॉर्म फीस क्या है बता दूँ मैं, फॉर्म फीस में जनरल OBC की 100 रुपये है, ST फीमेल की फ्री है बिल्कुल। एज लिमिट के बारे में बता दूँ, एज लिमिट इसमें 18 से 30 है, OBC के लिए 18 से 33 और ST के लिए 18 से 35। 1 दिसंबर 2021 से कैलकुलेट होगी एज। ये CISF की ड्रेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अपना ये कोई फौजी भाई खड़ा है। फिजिकल डिटेल्स के बारे में बता दूँ मैं आपके लिए, इसमें हाइट चाहिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, मेल के लिए 165 चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करोगे, फोटो का लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल ब्लर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें 10th 12th चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पैन या आधार में से कोई एक चीज़ चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर DVO होगा, लास्ट में मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूँ इसके फॉर्म कब से निकलने वाले हैं, इसके फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? जनवरी के फर्स्ट वीक से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड कब तक चलेंगे, लगभग जनवरी लास्ट तक चलेंगे, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी चाहिए, इस गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली आपको सारी वीडियो अपडेट्स मिलती रहें।